السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. एक ही माह के लिए मुत्तकी बन जाओ. एक बात कहता हूँ, अगरचे मेरे मुंह से अच्छी नहीं मालूम होती, इसलिए कि हमको तो यही कहना चाहिए कि दायमी तक्वा इख्तियार करो. लेकिन क्या किया जाए, लोगों को देखा जाता है कि बहुत सी बलाओं में मुब्तला है. उनकी हालत को देखकर कहना पड़ रहा है कि अगर आपसे दायमी तक्वा ना हो सके तो सिर्फ रमज़ान ही में तक्वा इख्तियार कर लो. रमज़ान के बाद तुमको इख्तियार है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 11 महीने तक्वा न इख्तियार करो, बल्कि मतलब यह है कि नफ्स से एक माह के लिए सुलह कर लो और एक माह के लिए तक्वा इख्तियार करने पर उसको राज़ी कर लो और ये कहो कि ये नफ्स एक माह के लिए मुत्तकी बन जाओ और एक महीने के बाद फिर आज़ादी है और जब ये महीना गुजर जाए तो एक माह के लिए और सुलह कर लो. नफ्स की यह खासियत बच्चा किसी है कि बच्चा बहलाने से बहल जाता है. पस तुम भी नफ्स से कह दो कि ईद के दिन तक तो मुत्तकी हो जा, बाद में तुझको इख्तियार है. अगर कोई कहे कि ईद तक मुत्तकी होने से क्या नफा, तक्वा तो जब ही कारामद है जबकि मरते दम तक हो. साहिबो, उसमें भी एक फ़ायदा है, वो ये कि ये एक तदबीर है दायमी तक्वा हासिल करने की, और वजह उसकी ये है कि नफ्स जो तक्वा की तरफ माइल और मासियत नफरत नहीं करता, उसकी वजह यह है कि तक्वा की लज्जत और मासियत की कदूरत से वाकिफ नहीं. उसको ये खबर ही नहीं तक्वा के अंदर क्या लज्जत और नूर है और मासियत के अंदर क्या कदूरत और जुल्मत है. और उसकी वजह यह है कि नफ्स चूँकि हमेशा मासियत ही रहा है, इसे तक्वा के नूर की उसको खबर नहीं, और जब नूर तक्वा की खबर नहीं तो मासियत की जुल्मत का एहसास भी नहीं. पर ज़रूरत इसकी है कि उसको इस नूर और जुल्मत, या यूँ कहो कि उसको लज्जत और कदूरत से वाकिफ कराया जाए. जब उसको तक्वा की लज्जत हासिल होगी तो मासियत में कदूरत महसूस होगी. पस ला महाला तक्वा के हिर्स और मासियत से नफरत पैदा होगी. जब पूरे रमजान मुबारक में मुत्तकी रहोगे तो कुछ एहसास होगा नफ्स से सुलह की. जब मियाद खत्म हो जाएगी तो शव्वाल में नफ्स तक्वा की लज्जत और हलावत उस नूर को याद करेगा और उस वक्त तो उसको वलवला और शौक होगा, तलब होगी. तक्वा का नूर अपनी तरफ खींचेगा और गुनाहों की कदूरत से उसको रोकेगा. बस इस तरह वो रफ्ता रफ्ता मुत्तकी बन जाएगा. और समझ आ गया होगा कि रमज़ान में मुत्तकी बन जाने से किस तरह दायमी यानि हमेशा के लिए मुत्तकी बन जाओगे. और आयत लअल्लकुम तत्तकून का मतलब भी ये है कि चंद रोज़ मुत्तकी बन जाओ, ये तुमको दायमी मुत्तकी बना देगा. रमज़ान भर तो आप मुत्तकी बन जाइए, फिर इस तक्वे का असर आप खुद देखेंगे. मेरे बयान की ज़रूरत नहीं.